वेलकम टेकोडाइल। और जो लोग विंडोज 10 यूज़ कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही बुरी न्यूज़ है। और माइक्रोसॉफ्ट 14 अक्टूबर 2025 के बाद जितनी सिक्योरिटी अपडेट हैं या वैसे भी विंडोज 10 के लिए जितनी अपडेट हैं उनको ख़त्म करने जा रहा है। तो अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएँ तो इनने यहाँ पर मैंशन किया हुआ है कि विंडोज 10 8.1 और 7 के लिए ये जो है ये जितनी भी अपडेट होंगी वो अब नहीं आएंगी। तो अगर हम इस नोटिफिकेशन को देखें, आफ्टर अक्टूबर 14, 2025 माइक्रोसॉफ्ट विल नो लॉन्गर प्रोवाइड फ्री सॉफ्टवेयर अपडेट्स फ्रॉम विंडोज़ अपडेट टेक्निकल असिस्टेंट और सिक्योरिटी फिक्सेस फॉर विंडोज 10। यूर पी सी विल स्टिल वर्क बट वी रिकमेंड मूविंग टू विंडोज़ 11। अच्छा, अब बहुत ज़्यादा जो यूज़र हैं उनको ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनकी जो विंडोज़ 10 है वो 11 के लिए अपग्रेड नहीं हो रही। तो उसकी मेन वजह ये है कि जो आपका प्रोसेसर है उसकी जनरेशन कम है। तो माइक्रोसॉफ्ट की ये जो विंडोज़ 11 इंस्टॉल करने की अपनी कोई रिक्वायरमेंट है, आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देखें तो प्रोसेसर आपको रिक्वायर्ड होगा 1 GHz या जो इससे फास्टर का। मगर इसमें एक और ये प्रॉब्लम है कि आपका जो प्रोसेसर है वो 8th जनरेशन या इससे हायर होना चाहिए, तभी आप जो है विंडोज़ 10 इंस्टॉल कर सकते हैं। अब बहुत ज़्यादा जो लोग हैं उनके पास लैपटॉप वगैरह अच्छे हैं तो हैं, मगर उनके जो प्रोसेसर की जनरेशन है वो 6th है या 7th है, इसलिए जो है वो कभी भी जो विंडोज़ 11 है उसमें अभी फ़िलहाल के लिए अपग्रेड नहीं कर सकते। तो अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपकी जो विंडोज़ 10 है वो अपग्रेड हो सकती है 11 के लिए, तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की अपनी वेबसाइट के ऊपर जाएं तो इनकी एक ऐप है पी सी हेल्थ चेक ऐप। तो अगर आप उसको यहाँ पे ओपन कर लें और डाउनलोड कर लें पी सी हेल्थ चेक, तो ये आपको डायरेक्टली बता देगा कि आपका जो सिस्टम है वो अपग्रेड करेगा नहीं। तो यहाँ पे जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे और चेक नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास सारी नोटिफिकेशन लेके आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें जो पहली रिक्वायरमेंट है वो सिक्योर बूट की है, तो ये इस सिस्टम में है, हमने अनेबल करना होगा। मगर जो दूसरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है प्रोसेसर की, जैसे मैंने आपको बताया है वो 8th जनरेशन या इससे हायर होना चाहिए, वो ये नहीं है, तो ये आपको इस तरह करके क्रॉस बता देगा। बाकी जितनी भी रिक्वायरमेंट होंगी उनके ऊपर चेक आ जाएगा। तो ये आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे ये जो माइक्रोसॉफ्ट है ये काम क्यों कर रहा है और इसकी जो है इससे इम्पैक्ट क्या क्या होगा। देखें, माइक्रोसॉफ्ट जो है ये चाह रहा है कि जितने भी यूज़र हैं वो अपना जो सिस्टम है वो अपग्रेड कर लें और इनकी जो न्यू डिवाइसेस हैं वो ख़रीदें, और इसीलिए जो है ये अपडेट है ये लाने चाह रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे नीचे जाएं तो इनने खुद ही भी मेंशन किया है कि जो विंडोज़ 10 है उसमें फिर आपके पास जो है, अगर आप विंडोज़ 11 पे नहीं जाते तो आपके सिस्टम जो है वायरस हिट होने के चांसेस और मेलवेयर आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। मतलब ये कि ये लोगों को एक तरह डरा भी रहे हैं कि आप ज़रूर जो है अपग्रेड करें। तो यहाँ पे ये अपनी वेबसाइट के ऊपर खुद भी मेंशन कर रहे हैं, वाइल योर विंडो 10 पीसी विल कंटिन्यू टू फंक्शन इट विल बी एट ग्रेटर रिस्क फॉर वायरसेस एंड मेलवेयर व्हेन विंडोज 10 रीचेस एंड ऑफ द सपोर्ट। वी रिकमेंड यू टू ट्रांजिशन टू अ न्यूअर वर्जन ऑफ विंडोज दैट इज स्टिल सपोर्टेड। तो बहुत ज़्यादा लोग कह रहे हैं भाई अब हम जो हमारे पास ये जो पुराने पीसी हैं या लैपटॉप हैं उनका क्या करें। तो उनके लिए भी माइक्रोसॉफ्ट ने जो है एक प्रोग्राम बनाया है, ट्रेड इन प्रोग्राम, और इसमें जो है लोग अपना जो पुराना सिस्टम है वो बेच सकते हैं या उसके जो आपके सिस्टम है उसकी ये प्राइस वगैरह बता देगा। तो ये वेबसाइट है इनकी, यहाँ पे अगर आप जाएं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ट्रेड इन प्रोग्राम, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये बताएगा कि आप कैटेगरी कौन सी चूज़ करना चाहते हैं। हम पर्सनल अगर चूज़ कर लें तो ये फर्दर आगे हमें ले जाएगा कि आपके पास जो डिवाइस है वो किस टाइप की। फर्ज़ करें आपके पास कोई पुराना लैपटॉप है तो उसको फिर आप सेलेक्ट करेंगे, आप जो है अपने लैपटॉप का ब्रांड यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और आपका फ़र्ज़ करें कोई भी लैपटॉप है वो सेलेक्ट करके उसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह बता देंगे कि ये वर्किंग कंडीशन में है नहीं, इसके साथ चार्जर है कि नहीं, और आपने जो है स्टोर से ख़रीदा था कि नहीं, और फर्दर जो है आप यहाँ पर डिफ़ाइन कर देंगे और उसकी जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करके दे देगा। तो फिर ये जो है आप अपना सिस्टम बेच वगैरह सकते हैं, और इनने फर्दर बताया हुआ है कि आपने ये नए सिस्टम कैसे ख़रीदने हैं। तो आप इस सारी चीज़ के बारे में क्या कहते हैं, क्या माइक्रोसॉफ्ट ये सही कर रहा है कि जो विंडोज़ 10 है उनके लिए सपोर्ट ख़त्म कर रहा है, तो और असल में इनका जो गोल है वो क्या है। मुझे ये लगता है कि गोल यही इनका है कि ये अपनी नई प्रोडक्ट्स बेचें, नए सिस्टम बेचें, ये इनका जो है गोल नज़र आता है। तो चले चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए।